मौसम में आए परिवर्तन के कारण वर्तमान में हल्की ठंड बढ़ गई है। ठंड बढ़ने के साथ ही मच्छरों की तादाद बढ़ रही है। मच्छरों की बड़ी तादाद से डेंगू रोग का खतरा मंडराने लगा है। ऐसी स्थिति में आमजन का अब और अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। सर्दी से बचने के लिए किए जाने वाले जतन के साथ साथ मच्छरों से बचने की आवश्यकता है। सर्दी तथा मच्छरों की संख्या में हो रही वृद्धि तथा डेंगू रोग के संभावित खतरे को देखते हुए राजकीय मृतकों चिकित्सालय में विशेष प्रबंध किए गए हैं। वार्ड में भर्ती होने वाले रोगियों के लिए मच्छरदानी की व्यवस्था की गई है। डेंगू रोग के रोगियों के लिए जांच तथा उपचार की भी त्वरित व्यवस्था अस्पताल में की गई है। डेंगू रोग से बचने के लिए राजकीय मृतकों चिकित्सक के डॉक्टर रवि गौड़ ने आमजन को विशेष सलाह दी है। डॉक्टर गौड़ ने बताया कि वर्तमान में बढ़ते मच्छरों के कारण डेंगू रोग का खतरा बढ़ गया है। उन्होंने बताया कि उक्त रोग से बचने के लिए अपने घरों सहित आसपास के क्षेत्रों में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। मच्छरों को पनपने के लिए रोकना होगा। साथ ही अगर किसी को तेज बुखार, बदन दर्द आदि की शिकायत हो तो उसे तुरंत प्रभाव से चिकित्सालय लाकर जांच करवाकर उपचार लेना चाहिए। डॉक्टर रवि को खाने पीने में भी विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है। डेंगू के बारे में, क्योंकि अभी जो मौसम चल रहा है इसमें क्या है, मच्छरों की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इसमें क्या है डेंगू के केसेस भी मतलब अब बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अब डेंगू के बारे में क्या है कि डेंगू जो है वो एक वायरल डिजीज़ है। ये जो है मच्छर के काटने से होती है, मच्छर एडीज मच्छर है उसके काटने से होती है। और आमतौर पर ये मच्छर जो है वो मतलब दिन में काटता है। तो इसमें क्या है, इस मतलब जो डेंगू वायरल डिजीज है इनमें क्या है, इनमें सिम्टम्स जैसे आते हैं, जैसे मरीज को क्या है बुखार आएगा और उसको मतलब ऐसा लगेगा, हड्डी तोड़ बुखार भी बोलते हैं इसको, तो बुखार और नोज़ वोमिटिंग होने लग जाता है मरीज को। और इसके अंदर जो है सीवियर केसेस के अंदर जो है मतलब कि ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन भी आने लग जाते हैं, जैसे नाक से खून आना है ना, और शरीर के अन्य पार्ट से खून आना, और पेशेंट का मतलब पेशेंट को क्या बीपी भी लो होने लग जाता है, जिसके कारण डेंगू शॉक में भी जा सकता है पेशेंट। तो इस मतलब इस बीमारी से बचाव के लिए क्या करना है, हमें बचाव के लिए हमें यही चीज करनी होती है कि जैसे मतलब अपने घर पे एक तो मतलब कि मच्छरों को बढ़ने से रोकना है। कैसे रोकना है, जैसे अपने घर में कहीं कचरा पड़ा हो, कहीं पानी इकट्ठा हो रखा हो, गंदा पानी इकट्ठा हो रखा हो, तो पानी इकट्ठा नहीं होने देना है। और टाइम टू टाइम मतलब इन सब चीजों जैसे कूलर हुआ, कोई भी मतलब कूड़ा करकट हुआ, इनको इकट्ठा नहीं होने देना, ताकि मच्छर पनपे ही नहीं। और दूसरा मच्छरदानी का प्रयोग करना है। और अब इसके अंदर क्या है, अगर जैसे पेशेंट को कोई भी दिक्कत हो, जैसे पेशेंट को बुखार आए और कुछ भी हो, बदन दर्द हो, तो उसमें क्या है अपने को तुरंत एक बार डॉक्टर से संपर्क करना है।